यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। जो छात्र यूक्रेन से निकलकर दूसरे देशों में पहुंच गए हैं उन्हें भारत लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन के कुछ शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी ने छात्रों तक पहुंचने के लिए एक नई पहल की है। एम्बेसी ने एक गूगल फॉर्म जारी किया है जिसमें यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों से जानकारी मांगी गई है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट किया और अब जो लोग यूक्रेन में बचे हैं उनसे एक गूगल फॉर्म भरने को कहा है। ट्वीट में कहा गया है, सभी भारतीय नागरिक जो भी अभी भी यूक्रेन में बचे हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस गूगल फॉर्म में जानकारी तुरंत दर्ज करवाएं। दरअसल यूक्रेन में लगातार गोलीबारी, बमबारी और मुठभेड़ जारी है। ऐसे में जो छात्र वहां अभी भी फंसे हैं उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। बाहर निकलने पर हमले की चपेट में आने का खतरा है। दूसरी तरफ उनके पास खाने और पीने तक की किल्लत हो रही है। छात्र यूक्रेन में परेशान है और उनके परिवार भारत में परेशान है। भारत सरकार छात्रों को निकालने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर इस बारे में बात भी की थी। विदेश मंत्रालय ने छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन और रूस से बात की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लेकर फ्लाइट्स लगातार भारत पहुंच रही हैं। 5 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट्स भारत पहुंच रही हैं। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 16,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जिसमें से 13,000 लोग भारत पहुंच चुके हैं। सरकार ने यूक्रेन के 4 नजदीकी देशों में रूसी भाषा बोलने वाली टीम्स को भेजा है। एक कंट्रोल रूम का भी सेटअप किया है। 4 मार्च तक 16,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद वहां के एयर स्पेस को 24 फरवरी से ही बंद कर दिया गया है, जिसके चलते जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये खबर आपके लिए लिखी थी सौरभ ने, मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है जतन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।